नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ESSL का बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन के ऊपर। और ये ESSL का K30 प्रो प्लस ID प्लस B वाला मशीन है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज मैं इसको अनबॉक्स करने वाला हूँ। यह मशीन है, और यह आप देखोगे वॉल पे फिटिंग करने के लिए मशीन के साथ में एक स्टैंड आता है, इसको आप वॉल पे फिटिंग कर सकते हो इसके थ्रू आप। ओके। और यहाँ पे एक RFID कार्ड दिया हुआ है, और ये इसका पावर सप्लाई है। यह है जो पावर सप्लाई है, वह 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का है, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। और ये अभी हम मशीन की बात करें, यहाँ पे अपना कीबोर्ड कीपैड दिया हुआ है, और यहाँ पे सेंसर दिया हुआ है फिंगरप्रिंट के लिए। और पीछे आप देखोगे तो ये इसके साथ में इसका जो एक्सेस कंट्रोल से आपको अगर इसको कनेक्ट करना है तो उसके लिए इधर वायर भी है। ये एक्सेस कंट्रोल का वायर है, इसके थ्रू आप अपना कोई भी लॉक, EM लॉक वगैरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये जो वायर है वो यहाँ पे, ये देखिए, इस टाइप से फिट होता है। अगर आपको अलग से पावर देना है तो ये केबल आता है कोई DC पिन के थ्रू। ये वाला भी जो वायर है आपका, यहाँ पे नीचे एक सॉकेट दिया हुआ है, उसमें कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये टाइप से, ये पावर के लिए है, और ये मैंने बताया आपको एक्सेस कंट्रोल के लिए दिया हुआ है। ये वाला जो केबल है, इसका अडेप्टर है, उसको आप यहाँ से इसको पावर देने का है। यहाँ पे आप देखोगे मशीन को कनेक्ट करने के लिए एक RJ45 का यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर से मशीन को कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे ये देखिए, एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है। अगर आपके पास लैपटॉप से कनेक्ट नहीं करते हो तो आप पेन ड्राइव से भी डेटा कॉपी कर सकते हो। और उसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे आप इसको प्रेस करोगे तो मशीन चालू होगा, और ये मशीन का जो लैंग्वेज है वो लिनक्स है, वो आपको इधर शो कर ही रहा है। और इसका इसमें अपना 4 घंटे का बैटरी बैकअप है। अगर आपके इधर पावर चला जाता है तो 4 घंटे तक बैटरी के ऊपर वर्क करेगा। अभी इसके अंदर फिंगरप्रिंट किस टाइप से ऐड करने का है, ये देखिए, ये मेनू का है, यहाँ से ये एस्केप है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन, ये लेफ्ट और ये राइट। यहाँ से मेनू प्रेस करोगे आप, यहाँ देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो रजिस्टर करने के लिए है, सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो यूजर रोल कॉमन कनेक्ट करने के लिए है, आपको IP वगैरह सेट करना है तो यहाँ से सेट कर सकते हो। सिस्टम के अंदर जाके आपको डेट वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से डेट वगैरह चेंज कर सकते हो। डेटा मैनेजमेंट है, एक्सेस कंट्रोल का यहाँ पे दिया हुआ है, और लास्ट में आप देखोगे यहाँ USB मैनेजर है, अगर आपको पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करने का है तो। सबसे पहले अपने को यूजर मैनेजर में ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू यूजर, ऑल यूजर, अगर आपके पहले से इधर ऐड है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। यहाँ से अपने को न्यू यूजर में ओके, देखिए यहाँ पे ID शो कर देगा, ठीक है। नीचे आपको नाम यहाँ पे ओके करने के बाद में यहाँ से ओके, और यहाँ से डाउन, अगर आपको फिंगरप्रिंट ऐड करना है तो आप फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हो, यहाँ से ओके। ये देखिए, आप यहाँ से ओके करिए, और एक फिंगर आपको 3 टाइम सेम फिंगर रखने का है। यहाँ से एस्केप एस्केप एस्केप, उसके बाद बाहर आ जाने का है, और आप अपना फिंगर इधर प्रेस करोगे, ये देखिए इधर यूजर ID आ जाएगा और नीचे आपका नाम आएगा। उसी टाइप से आप कार्ड भी इसमें ऐड कर सकते हो, देखिए
कार्ड का यूजर आईडी 2 आ गया है और नीचे नाम आ जाएगा। अगर आपको पासवर्ड से करना है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मेनू, यहाँ से ओके, ओके, आईडी नंबर 5, ओके, नीचे आप देखिए ये यहाँ पे पासवर्ड, ओके, और इनपुट पासवर्ड, ओके, रीटाइप ऑफ पासवर्ड, ओके। उसके बाद में यहाँ से एस्केप 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 करके बाहर, अभी 6, ओके, सॉरी 5 नंबर था हमारा, 5, ओके। यहाँ से पासवर्ड आप करोगे, ये देखिए पासवर्ड से भी इसमें अटेंडेंस लग चुका है। अभी इसमें अगर आपको आईपी सेट करना है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ मेनू, ये देखिए कॉमन के अंदर जाने का है, यहाँ से ओके, इंटरनेट का पोर्ट है यहाँ पे, ओके। यहाँ से आप आईपी आपके कंप्यूटर के हिसाब से जो भी आईपी चलता है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एस्केप एस्केप और सिस्टम, सिस्टम के अंदर आप जाओगे, यहाँ से डेट वगैरह आपको चेंज करना है, डेट एंड टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हो। अटेंडेंस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से देख सकते हो, फिंगरप्रिंट देख सकते हो। मशीन को रीसेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यूएसबी अपग्रेड, यूएसबी के थ्रू मशीन को आपको अपग्रेड करना है तो आप सिस्टम के अंदर जाके कर सकते हो। उसके बाद में यूएसबी मैनेजर, ओके, यहाँ से डाउनलोड। अगर आपको पेन ड्राइव, यहाँ पे देखिए पेन ड्राइव आपको इंसर्ट करने का है, उसके बाद में डाउनलोड करके ओके करने का है। अटेंडेंस डेटा, ओके, आप पेन ड्राइव में, उसके बाद में आपका पूरा का पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो फिंगरप्रिंट का जो कैपेसिटी है वो 2000 फिंगरप्रिंट का कैपेसिटी है इसके अंदर, और बैटरी बैकअप जो है वो 4 घंटे का बैटरी बैकअप है पावर जाने के बाद में। और इसका जो सेंसर है, और ये अपना आइडेंटिटी टैक्स का मशीन है, और आप इसको अपने ऑफिस या अपना फैक्ट्री के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।